आवारा जानवरों का आतंक इस कदर हावी है कि किसान अपने खेतों की रखवाली करने को दिन रात मजबूर है, फिर भी किसानों पर आवारा जानवरों का जुर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बताते चले कि थाना कुर्था क्षेत्र ग्राम रामपुरा निवासी 65 वर्षीय वृद्ध किसान उस्मान अली की खेत की रखवाली करते हुए दौरान मौत हो गई। मृतक उस्मान अली के परिजनों ने बताया कि उस्मान अली देर शाम खेत पर गए थे, तभी सांड ने उन्हें पटक पटक कर मार डाला। क्या हुई पूरी बात बताओ, क्या घटना हुई? शाम को देर रात गाय के लिए बाबा हमारे घर से निकले और खेत पे पहुंचे, तो खेत पे गाय वगैरह लगी हुई थी, तो उन्हें गाय के मारने से सांड ने पटक पटक के मार डाला। हम लोग सुबह देखने के लिए पहुंचे, रात भर ढूंढा, सुबह पहुंचे तो वहाँ पे वो हमें पड़े मिले। उसके बाद में हम लोगों ने थाने में खबर पहुंचाई और हम लोगों ने SDM साहब को भी खबर पहुंचाई, CO साहब को भी और DM साहब को भी, और सारी घटना ये इस तरीके से हुई। कोई आला अधिकारी आया था यहाँ पे? यहाँ पे SDM साहब आए और वो कुछ नहीं, चले गए। कुछ बोला है उन्होंने? ना, वो बोला है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितनी उम्र थी आपके बाबा की? 65 वर्ष। क्या नाम था उनका? उस्मान अली। वो जी आप इधर आए हैं, क्या घटना हुई है? भैया यहाँ सांड ने एक मार दिए हैं परिवार के, किसान परिवार को जी सांड ने हुआ हुआ के मारा है उसको, इसलिए आए हम। और ऐसी घटना इस क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, अभी पीछे तखरू में हुई है, हम वहाँ गए तो वहाँ 4-5 लोग पहले से घायल कर दिए। और यहाँ ये सरकार का और यहाँ के विधायक जी की ये व्यवस्था है, इतने यहाँ गौशाले बने हुए हैं और वहाँ पैसा आता है इनमें, हमने देखा है गायों में टोकन भी लगे हुए हैं और गाय इन्होंने पैसा खाते हैं ये लोग और गाय फ्री छोड़ रखी हैं गौशालाओं से। और ये लोग बहुत मिलके, दोनों सपा और BJP वाले मिलके अत्याचार कर रहे हैं और किसानों को बहुत बर्बाद करने की। आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन हमने यही दिया है कि हमें मौका अगर मिलता है, आप लोग हमें मौका देते हैं, तो ये जितने लोगों की जो लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं, जो गौशालाओं खोल रखी इन्होंने, पैसा इनका खा रहे हैं और इन्होंने खुली छोड़ रखी, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और पुनः इन लोगों पर सही चलाएंगे तो इन पर, नहीं तो अन्य लोगों को देके और इन पर कार्रवाई करवाई जाएगी और सारी जितनी गायों सारी गौशालाओं में भिजवाने का काम करवाएंगे हम लोग। और इस प्रयास को हम बहुत लोग जल्दी करेंगे।